सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सब कुछ लोग आ जाएं तो मुझे बता दीजिए कि वीडियो और आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि आज ये इंडिपेंडेंटली पहला सेशन है। आज सर सोहेल साथ नहीं है तो आज ये अकेले मुझे ही करना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप मुनीर भाई को क्या खिलाते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा तेज दिमाग चलता है उनका। अच्छा, मेरे ख्याल में काफी लोग आ गए हैं। सबा आ गई हैं। मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम, सबको खुश आमदेद। और पिछले दिनों में ग्रुप में कुछ कम कम आ रही थी तो बहुत सारी चे मगोइयाँ हुई और मुझे बड़ा मजा भी आया उनको सुन के। कुछ लोगों ने कहा कि किशोर ग्रुप छोड़ गई हैं, कुछ ने कहा कि किशोर को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी ने कहा कि किशोर नाराज हो गई हैं, किसी ने कहा किशोर बीमार हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किशोर किसी से खफा नहीं है, ना किशोर को किसी ने रोका है। पर बल्कि मेरी बहुत अच्छी प्यारी भांजी की शादी थी तो मैं उसमें बिजी थी। तो जैसे ही शादी के हंगामे खत्म हुए हैं तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आए हैं। उस कहानी को भी सुनाने के तीन मुहर्रकात थे, तीन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इस बात के लिए तैयार किया कि मुझे ये कहानी कहनी चाहिए। पहली बात तो ये थी कि एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए और एंगर डिस्प्लेस कैसे किया जाए। मैंने आजकल बहुत ये बात सुनी है, लोग बड़े फखर से ये बात कहते हैं कि हमें तो बड़ा गुस्सा आता है, हमें तो बड़ा गुस्सा आता है। मैंने उसे गुस्से में दो चार सुनाई, मैंने गुस्से में फोन तोड़ दिया, मैंने गुस्से से दरवाजा मारा। तो ये तरीका नहीं है, हमें इससे मना किया गया है। ये बात नहीं है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना एक फितरी बात है, गुस्सा आता है। गुस्से को कंट्रोल करने का हमें कहा गया है, गुस्से को काबू करने का कहा गया है, गुस्से को पी जाने का कहा गया है। हमें कहा गया है कि वो गुस्से को, मोमनों की ये निशानी बताई गई है कि वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है वो अपने एंगर को किसी अच्छे काम के लिए लगाएं और अपने गुस्सा जो है वो तोड़ फोड़ या इस किस्म की चीजों को पे अपना गुस्सा मत निकालिए। और दूसरी ये कहानी कहने का मकसद ये था कि हमें बहुत सारी नेमतें ऐसी मिली हैं, बहुत सारी चीजें हमें अल्लाह ने ऐसी अदा जिनका हमने कभी शुक्र ही अदा नहीं किया, और हमने उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अगर हम इस मुल्क में पैदा हो गए हैं, मुसलमान मुल्क में पैदा हो गए हैं, हमने कभी उस चीज का शुक्र अदा नहीं किया। हम जो हैं वो किस किस मजहब में अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया, हमने उसका कभी शुक्र अदा नहीं किया। हम शुक्र उस टाइम अदा करते हैं जब हम किसी अपने इर्द गिर्द के इंसान को उस चीज के लिए तरसता हुआ देखते हैं, या हम किसी को एक लंबी कोशिश करते हुए देखते हैं कि वो किस तरह घिसट के एड़ियां रगड़ के उस मुकाम तक पहुंचा, तो फिर हमें जरा उस चीज की कदर आती है कि ये चीज तो हमें अल्लाह ने मुफ्त दे रखी थी, हमने इसका कभी शुक्र अदा नहीं किया। और तीसरी बात एक ये है कि हम अपने बच्चों को क्वेश्चन करने से बहुत रोकते हैं, यानी हमारे माशरे में या हमारे घरों में इस चीज को एक बदतमीजी तसव्वुर किया जाता है। जब बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनको बड़ा बुरी तरह से स्नब किया जाता है, तो ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मैंने हमेशा से देखा कि जो भी गैर मामूली शख्सियतें नहीं, वो हमेशा अपने बचपन से ही उनको सवाल उठाने की आदत थी,
एरिस्टोटल को देखने, वो बचपन में ही क्वेश्चन किया करता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरह जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो सवाल जरूर उठाएगा, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं भी आज आपके लिए एक ऐसे बच्चे की कहानी लेके आई हूँ जो बचपन से ही बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन करता था। और ये कहानी है अमेरिका के शहर कैंटिकी की, रियासत कैंटिकी की, जहाँ पे एक स्याह फार्म माँ बाप थे और उनके छोटा सा बच्चा था जिसको उसके इर्द गिर्द का माहौल और उसके इर्द गिर्द के सवाल बहुत तंग करते थे। वो अपनी माँ से अक्सर पूछता था कि माँ, जो अमेरिका का वजीर आजम है वो व्हाइट हाउस में क्यों रहता है। वो अपनी माँ से अक्सर पूछता था कि जो फरिश्ते हैं वो सफेद रंग के ही क्यों होते हैं। वो अपनी माँ से ये भी पूछता था कि मुकद्दस मरियम का मुजस्मा जो है वो सफेद रंग का क्यों है। तो आवाज का इश्यू कह रहे हैं, ठहरे। आज मैंने हैंड फ्रीज नहीं लगाए, तो क्या आप बताएं कि अब आवाज सही आ रही है या पहले सही थी। जैनी बताइए कि आवाज ठीक हुई, ऊंची हुई, या मजीद मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। डायरेक्टर के बगैर प्रोग्राम करने का यही नुकसान है। ये अब उम्मीद है कि आवाज बेहतर हो गई होगी। मेरी आवाज की तो काफी कंप्लेंट आती है कि किशोर बड़ा लाउड बोलती है। अब बताइए कि आवाज ठीक है। चलें ठीक है, आसिम अब्बासी कह रहे हैं कि ठीक है, जारी रखें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें थोड़ा सा और ऊंचा भी बोल लेते हैं। तो यहाँ थे कि वो बच्चा मासूम जो था वो अपनी माँ को बहुत क्वेश्चन किया करता था, और सोचने की बात है कि वो ये सवाल क्यों करता था। उसकी काली रंगत को लेके उसको इतना इंसल्ट किया गया कि उसके जहन में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता था, और जहन में हमेशा ये सवाल रहता था कि क्या सफेद दिल या सफेद रंगत जो है वो कोई इतनी स्पेशल चीज है या उसको बना दिया गया है। क्या सफेद रंग इतना अच्छा है, सफेद रंग वाले लोग इतने ब्लेस्ड। तो बच्चे के जहन में चलते ही थे। तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक स्टोर पे पानी लेने के लिए गया, पानी की बोतल। तो उन्हें पानी की बोतल सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि वो स्याह फाम थे, उनको स्टोर से जाने को कहा गया। ये सारी बातें बहुत डीप रूटेड थी और ये उस बच्चे के जहन में लाशऊर में कहीं पलती रह गई। और फिर ऐसा हुआ कि ये जो बच्चा था ये बड़ी किसी हम्बल बैकग्राउंड से था। इनके जो वालिद थे वो बिल बोर्ड पेंट किया करते थे, यानी वो पेंटर का काम करते थे, और उनकी जो मदद थी वो लोगों के घरों में हेल्पर थी, काम करती थी। लेकिन इस बच्चे को साइकिल का बहुत शौक था। ये जो बॉय सुन रहे होंगे उनको अंदाजा होगा कि जब बचपन होता है तो साइकिल क्या मायने रखता है किसी बच्चे के लिए, उसके लिए वो एक सबसे बड़ी विश होती है। तो उसके माँ बाप ने जैसे तैसे करके उस बच्चे को साइकिल ले ली। तो उन्हीं दिनों शहर में, उसके करीबी शहर में या उसी शहर में एक कोई मेला लगना था जहाँ पे था कि बच्चों को वहाँ स्वीट्स और पॉपकॉर्न वहाँ फ्री मिलेंगे। ये बच्चा बहुत हंसी खुशी अपने उस साइकिल पे राइड करता हुआ मेले में चला गया। मेले में टॉफियां तो उसको क्या ही मिलनी थी या स्वीट्स क्या मिलनी थी, उसके लिए उसके साथ ये हुआ कि उसका वो साइकिल ही चोरी हो गया। अब उस आप सोचें उस बच्चे की एक जो विश या उसके माँ बाप ने उसके लिए एक चीज खरीदी हो और वो चोरी हो जाए, तो उसका गुस्सा और उसका एंगर कौन से आसमान पे होगा। वो बहुत ज्यादा रंजीदा हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, और वो अपने उस इलाके के पुलिस ऑफिसर के पास गया और उसने कहा कि एक दफा वो चोर मुझे पकड़ दो, चोर मुझे पकड़ दो, उसे मारूंगा मैं खुद।
तो उसके अंदर इतना गुस्सा था, इतना एंगर था। तो उस पुलिस ऑफिसर को सलाम है, उस पुलिस ऑफिसर बटन था, उन्होंने उस बच्चे को हौसला दिया, तसल्ली दी और उसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चोर पकड़ के दे दूंगा, तो क्या तुम्हें पता है कि चोरों को कैसे मारा जाता है, क्या तुम्हें चोर को मारना आता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा अच्छा फिर तुम बॉक्सिंग सीखो, चोर पकड़ा जाएगा, चोर को मारना है तो तुम बॉक्सिंग सीखो। खैर इन्होंने बॉक्सिंग सीखनी शुरू की। ये असल एक कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपके अंदर का जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको एक डायरेक्शन जरूर दें। गुस्सा बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको किसी सही सिम उसको निकाला जाए तो ये बेहतर है। ये कहानी है जो मुस्तकबिल का बादशाह बना बॉक्सर, बॉक्सिंग किंग जिसे कहा जाता है, जिसे लायन किंग कहा जाता है, जिससे 20वीं सदी का सबसे बड़ा एथलीट कहा गया। उनका नाम कैशियस क्ले था और ये उनके बचपन की कहानी है। अगर उन्हें वो पुलिस अफसर ना मिलता तो शायद हमें इतना अजीम बॉक्सर ना मिलता। खैर जो मार्टिन से उन्होंने बॉक्सिंग सीखी और जब वो पहली दफा रिंग में उतरे, जज्बाती तो थे, तो उन्हें खूब उनकी पिटाई हुई, उनके नाक मुंह से खून निकल आया, लेकिन फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। फिर उस इस सारी बात के ओनली 6 वीक के बाद वो एक बॉक्सिंग के मैदान में उतरे और वो जीत गए, और वो जीत फिर उनकी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। फिर मोहम्मद अली ने मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे मुकाबले उन्होंने अपनी जिंदगी में किए, उन्होंने 61 कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनमें से 56 उन्होंने जीत लिए। और इस तरह उन्होंने कामयाबी की तरफ, उनके जो पेरेंट्स थे जाहिर है अल्टीमेट वो बहुत ज्यादा खुश थे उनकी सक्सेस जो थी उनके लिए, उनके बाप ने बहुत बड़े सपने उनके लिए देख लिए और उसके बाप ने उस वक्त का जो सबसे ग्रेट बॉक्सर था, इन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा उसकी तक पहुंचेगा, और उन्होंने बहुत उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली। और जो कैशियस थे उन्होंने भी मेहनत सख्त की। किसी ने उनसे पूछा था एक दफा कि आप कितने पुशअप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब थक मैं कभी गिनता नहीं, गिनता तब हूं जब मैं थक जाता हूं, उस थकने के बाद जो मैं वर्क करता हूं वो मैं कभी कभी गिन लेता हूं। तो ये इनकी पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, यानी ये इतना हो गया, और उसकी बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं। एक तो उनका जो खास स्टाइल था, वो तो मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि ये अपने मद्दे मुकाबल के सामने उछलते रहते, कूदते रहते, यानी एक तरह से ये डांस करते रहते, और वो उसको इतना थका देते, जब वो उनके पीछे भाग भाग के थक जाता तो फिर मुक्कों की बारिश के उसके ऊपर कर देते और उसको हरा देते। दूसरा ये करते हैं कि उस पे अपने मद्दे मुकाबल पे ये बहुत कड़ी तनकीद करते कि वो गुस्से में आ जाता बहुत ज्यादा। और ये देखें कि कहते हैं ना कि गुस्सा जो है वो अकल की बत्ती बुझा देता है, तो ये इतनी कड़ी तनकीद जब उसके ऊपर करते हैं तो वो जाहिर है मद्दे मुकाबले जो में आ जाता था, और गुस्से में वो फिर कोई गलत डिसीजन लेता था और ये उस वक्त के इंतजार में होते, तो फिर ये उनको ताबड़तोड़ हमले करते और उनको हरा देते। इसी अब ये इतने पॉपुलर हो चुके थे कि इनकी शोज की टिकटें जो थी वो हाथों हाथ बिक जाती थी और बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लग जाता था। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जुआ इनके मुकाबलों पे खेला गया होगा, कि ये पहले से प्रडिक्ट कर देते थे कि मैं फलां को इतने राउंड में हरा दूंगा, और ये ऐसा कर देते थे, यानी जो इनकी प्रडिक्शन होती थी वो सही हो जाती थी, और उसी पे ही बहुत ज्यादा शर्तें। कैशियस ने कहा है वो ये कर देगा। इसी इस नाम में जब ये पॉपुलर हो गया और इन्होंने बॉक्सिंग में अपना कमाल भी हासिल कर लिया, तो उन दिनों फिर रोम में ओलंपिक होने जा रहा था, तो इन्हें अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आप अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे उसमें। अब जो बंदा जितना मर्जी दुलेर हो या कुछ हो, उसकी कोई कमजोरी तो होती है। इससे पहले
कैशियस ने कभी हवाई सफर नहीं किया था, और ये हवाई सफर से इतने ज्यादा खौफजदा थे कि इन्होंने कहा कि मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। अब एक तरफ इनको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ इनका ये खौफ था। और फिर इन्होंने इस शर्त पे जहाज में ये बैठे कि इनको एक पैराशूट ला के दिया गया, बहुत मजबूत किस्म का। तो इन्होंने कहा कि मैं उसको पकड़ के बैठूंगा, अगर जहाज को कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आया, तो मैं नीचे छलांग लगा दूंगा। तो देखने वाले कुछ लोग इन पे हंस भी रहे थे कि ये क्या, ये चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं और ये इतनी बुजदिली दिखा रहे हैं। लेकिन ये उनका एक फोबिया था, एक फियर था। हम में, आप में, सब में कोई ना कोई होता है। जहाज ने लैंड किया रोम की सरजमीन पे और उनका एतमाद बहाल हुआ और वो गोल्ड मेडल जीत के आए। लेकिन दोस्तों, गोल्ड मेडल तो वो जीता है, लेकिन अमेरिका अभी भी रेसिज्म में ही फंसा हुआ था, और ये इतने दुख की बात थी इनके लिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये गोल्ड मेडल हर वक्त पहने रखते थे। इनको उस चीज की इतनी खुशी थी, और या उनके लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि वो अपने गोल्ड मेडल को हर वक्त पहने रखते थे। अब जब ये जीत के वापस आ जाते हैं, तो इनका दिल किया कि ये किसी अच्छे और ये देखें, जो हमें कहा जाता है कि हम तरक्की में बहुत पीछे हैं, हम ये हकूक का ख्याल नहीं रखते, तो ये वो, अब ये दूसरा रुख है। जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं और अपने आप को बहुत इंसानी हकूक की अलम बरदार, सारी जो तहरीकें उठती हैं वहीं से उठती हैं। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट जिसने अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल जीता था, उनको होटल में खाना सर्व नहीं किया गया, वजह कि उनकी जिल्द का रंग स्याह था। वो एक स्यापॉन्ड थे। ये अपनी खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात ने इनको इतनी तकलीफ दी कि ये वहां से उठे और एक दरिया के किनारे जाके खड़े हुए, और इन्होंने अपना वो मेडल उतारा और वापस उसमें डाल दिया। जाहिर है उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरे लिए क्या अहमियत रखती है चीज, कि मैं इनके लिए जीत के लाया, और उन्होंने इतना नहीं किया कि मुझे उस होटल में खाना सर्व कर दिया जाए। खैर, इसके बाद बॉक्सिंग इन्होंने नहीं छोड़ी, और इनका नेक्स्ट टारगेट जो था वो था कि इन्होंने हैवी वेट चैंपियनशिप जीतनी है। और इन्होंने उस वक्त के जो थे हैवी वेट चैंपियन, उनको इन्होंने चैलेंज दे दिया, और ये वो हैवी वेट चैंपियनशिप जीत गए। अब एक बच्चा जो एक हम्बल बैकग्राउंड से था, जिसकी जिल्द का रंग स्याह था, जिसको जिल्द की रंग स्याह रंगत स्याह होने की वजह से उसको होटल में खाना सर्व नहीं होता था, उसको पानी की बोतल नहीं दी गई थी, उसके पास दौलत, इज्जत, शोहरत सब चीजों के अंबार लग चुके थे, और वो हैवी वेट चैंपियनशिप को जीत चुके थे और पॉपुलर हो गए थे। बहुत ज्यादा लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, उनको जानने लगे थे, और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया था। और फिर ऐसा हुआ कि जब इन्होंने ये हैवी वेट चैंपियनशिप जीती, तो जब ये जीत गए, तो ये जज्बात में पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। ये कह रहे थे कि मैं दुनिया का अजीम आदमी हूँ, मैं बादशाह बन गया हूँ, मैंने मेरी खुदा से बात हो रही है, मेरी रोज खुदा से बात हो रही है। तो जब इन चीजों को लोगों ने बहुत ज्यादा क्यूरियस हुए कि ये क्या कह रहा था, और ये चेमगोयां होने लग गई, और ये चेमगोयां फिर ज्यादा देर कायम नहीं रही। इन्होंने जब ये जीते, और उसके दूसरे दिन इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन मैं ये सोचती रही कि एक शख्स जिसको सिर्फ, जिसकी जिल्द का रंग डार्क होने की वजह से जिसकी तजलील की गई, वो उस दीन में आ गया जिसमें कहा गया कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। वो उस दीन में आ गया जिस दीन के मानने वाले, जिस दीन के मानने वाले ये थे कि अहले बैत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो थे, वो हजरत बिलाल को सैयदना बिलाल कहा करते थे। ये वो दीन था जिसमें रंगो नस्ल का कोई भेदभाव नहीं था, जिसमें सब बराबर थे। ये कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, मेरा भी बच्चा एक दिन कह रहा था कि माँ मस्जिद में जाना क्यों इतना
इतना इतना पसंदीदा क्यों है। तो बड़ा उसको समझाया। तो एक दिन वो और उसके बाबा जो थे वो कहीं सफर में थे, तो नमाज का वक्त आया तो वो गाड़ी से उतरे फटाफट। उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो वो बाबा खड़े हुए, तो साथ ही बेटा साहब खड़े हुए, तो साथ ही कंधा मिलाने को ड्राइवर भी खड़ा हो गया। जब आके उसने उसके साथ कंधा मिलाया होगा तो फिर उसे पता चला होगा कि सब इंसान, अल्लाह की नजर में सब इंसान बराबर हैं। कोई गाड़ी वाला है या गाड़ी चलाने वाला है, कोई ठेला लगा रहा है या कोई सेठ है। वो जब मस्जिद में जाते हैं, जब अल्लाह के हजूर जाते हैं, तो वो सब एक हैं। अच्छा, ये तो था इनका बॉक्सिंग कैरियर। जो चीजें इनकी पर्सनैलिटी की इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि मुझे तो ये लगता है जब कोई कहता है ना कि मोहम्मद अली एक बॉक्सर, तो मुझे लगता है कि ये उनकी शान को थोड़ा हम कम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं थे, बॉक्सिंग तो उनका कैरियर था, उन्होंने बॉक्सिंग की, उन्होंने रिंग के बाहर जो लड़ाई लड़ी वो सबसे शानदार थी, वो उनका कमाल था। उन्हें हर सामना था बचपन से लेके बड़े हो गए। अब देखें कि वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देशों से, मुल्कों से बाहर, लेकिन इसी सना में जब वो अपने करियर की पीक पर हैं तो वियतनाम पे अमेरिका ने हमला कर दिया। वियतनाम एक छोटा सा गरीब मुल्क है और लोगों को जबरी कहा गया कि आप फौज में भर्ती हों और जाके जंग लड़ें। और ये वो वक्त था जब ये शेर इंसान, इसने कहा कि मैं वियतनाम की जंग पे नहीं जाऊंगा, मैं बेगुनाह लोगों को नहीं मारूंगा। मैं, इनका कहना ये था कि मैं उन लोगों को क्यों मारूं जिन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर इन्होंने ये कहा, जो इनकी बहुत प्यारी बात थी, इन्होंने ये कहा कि कोई शख्स या मैं वियतनाम वालों को कैसे मार सकता हूँ जबकि मैं अपने नमाज में 5 टाइम अमन और सुकून मांगता हूँ, मैं जाके उन पर गोलियां कैसे बरसाऊं। ये कितनी प्यारी बात थी उनकी। फिर इन्होंने ये कहा तंज करते हुए अमेरिका वालों पर, ये कहा कि मैं उनको क्यों गोलियां मारूं, उन्होंने तो कभी मुझे काला नहीं कहा, मैं उनको कैसे। और इसका खमियाजा उनको बहुत बड़ा भुगतना पड़ा, उनको इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। उनसे उनकी चैंपियनशिप की बेल्ट वापस ले ली गई, उनसे उनका टाइटल छीन लिया गया, उन्हें $10,000 जुर्माना किया गया, उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये उस वक्त उनके करियर का पीक था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने सर नहीं झुकाया, उन्होंने गलत बात को माना नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट गए और 3 साल के लिए इन पे पाबंदी रही। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट गए, उस वक्त वियतनाम जंग जो थी वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी थी और खुद लोग भी उनके, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो चुके थे। और फिर इनको इनकी बेल्ट वापस कर दी गई और इनसे वो पाबंदी हटा ली गई। और ये सारी तकलीफें थी जो उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। और इससे पहले मोहम्मद अली ने कोई मैच नहीं हारा था। अब 3 साल, ये जाहिर है ये अपनी फॉर्म में नहीं थे, 3 साल का इन्होंने ये नुकसान हुआ, जो पैसा का नुकसान हुआ वो तो अलग है, लेकिन ये इतने दलेर इंसान थे। जब इनकी बॉक्सिंग में इनका कैरियर था, जब वो नहीं रहा तो फिर इन्होंने यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए, वो लेक्चर भी बहुत कमाल हैं, वो सुनने वाले हैं। तो उससे उन्होंने अर्निंग की। फिर जब ये उस 3 ईयर के गैप के बाद ये रिंग में उतरे, तो जिंदगी में पहली दफा फिर ये हारे थे। और लेकिन वो हार ज्यादा देर नहीं रही, फिर दोबारा से इन्होंने कमबैक किया और फिर दोबारा से ये जीत गए। ये बॉक्सिंग में वो पहले शख्स हैं कि जिन्होंने 3 दफा हैवी वेट चैंपियनशिप जीती थी, और ये मेरे ख्याल में उनका अभी तक भी है। एक तो रिंग के बाहर की ये बात मुझे उनकी बहुत प्यारी लगी, दूसरा फिर इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल वर्क किया, बहुत ज्यादा, और तीसरा ये कि देखने में एक इतना एंग्री मैन और इतना गुस्से वाला, लेकिन मुझे इनकी, मैं वीडियो ये शेयर करूंगी जब दोबारा से ये, मैं पोस्ट, एक मुकाबला था इनका किसी बॉक्सर के साथ, तो उसका बच्चा भी, उसकी फैमिली देखने आए थे मैच, तो इन्होंने उसके वालिद को हरा दिया मैच में, तो वो बच्चा इतना डिसहार्ट हुआ कि वो बहुत बुरी तरह रो पड़ा।
तो ये अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, और जब इन्होंने देखा कि वो बच्चा रो रहा है तो इन्होंने कहा कि इसे रिंग में लेके आओ और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करो। और इन्होंने इस तरह से एक्टिंग की कि जैसे वो बच्चे के सामने मुंह करते और बच्चा इनके मुंह पे, नाक पे, आंखों पे, उसे तो जाहिर है अपने वालिद का गुस्सा था, उसने अपना पूरा गुस्सा उतारा। और इन्होंने इस तरह से एक्टिंग की कि जैसे इनको बहुत दर्द हो रहा है और ये उससे मुकाबला कर रहे हैं, और फिर ये गिर जाते हैं और वो बच्चे को उन्होंने जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। तो ये मुझे बहुत इनकी खूबसूरत बात लगी, ये पर्सनैलिटी का बहुत खूबसूरत पहलू था कि ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वसीला नजर आने वाला इंसान, अंदर से इतना ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये एक इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत प्यारा पहलू था। और फिर इस तरह हुआ कि एक दफा मोहम्मद अली जो थे वो फिर 1990 में फिर खबरों पे छा गए। देखिए, वो मुल्क जिसने इनको इतना इतने जुल्म किए, तो 1990 में जब सद्दाम हुसैन पे कब्जा कर लिया था, तो वहाँ 15 अमरीकन थे कोई जो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको कैदी बना लिया गया था। तो अब फिर अमेरिका वालों ने इनसे कहा जाइए और उनको बाजियाब करा के लाएं। और फिर ये मोहम्मद अली जो हैं ये जाते हैं सदर सद्दाम से मिलते हैं, और वो जंगी कैदी जो थे उनको रिहा करवा के ले आते हैं। ये भी इनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। फिर 1996 में जब एटलांटा में ओलंपिक्स हुई, तो इनको शम्मा मशल जो होती है वो इनको दी गई, और इन्हें 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा एथलीट कहा गया। ये इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। तो इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे इस तरह के लोगों से इसलिए उनसियत है कि जो दूसरों को जवाब देना जानते हैं। इनसे 9/11 के बाद किसी ने कहा कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हारा ताल्लुक एक दहशतगर्द मजहब से है, अब कोई मेरे जैसा होता तो गुस्सा आ जाता, जो हमारे वाले तो जो उठ के टेलीनॉर के ऑफिस तोड़ने लग जाते हैं ना। ये तरीका नहीं होता। एक लर्न मैन में और एक आम इंसान में फिर यही फर्क होता है। इनसे बड़े तंज से उसने कहा कि कैसा लगता है तुम्हें, तुम एक दहशतगर्द मजहब से ताल्लुक रखते हो। इन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हारा हिटलर से ताल्लुक है, हिटलर के मजहब जिन्होंने इतनी कत्ल वारत की। कहने वाला फिर नीचा मुंह करके चला गया होगा। तो इस तरह के लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनका नॉलेज हो और जिन्होंने ये राह खुद चल के सिलेक्ट की हो अपने लिए, हक खुद ढूंढा हो। और इनकी इन्होंने 4 शादियां की, इनके बच्चे हैं काफी सारे, और इनकी लेगेसी जिंदा है, शुक्र है। इनकी जो छोटी बेटी है लैला, वो भी बाप के नक्शे कदम पे हैं। उन्होंने भी अभी तक जितने भी मुकाबले किए हैं, जब तक आखिरी यानी जितना मैंने पढ़ा है, वो कभी हारी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं। तो कहना ये चाहती हूँ कि हमें जो चीज़ें, मजहब हो, रंगत हो, इस्लामी मुल्क हो, अगर खुदा ने हमें दिया है तो हम उसकी वैसी कदर नहीं कर रहे जैसी करनी चाहिए। हमें कभी किसी ने रंग की वजह से ये नहीं कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। हमें कभी किसी ने रंग की वजह से किसी अलग लाइन में नहीं लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस दीन के पैरोकार हैं जिसमें रंगो नस्ल का कोई भेदभाव नहीं है, और हमें रखना भी नहीं चाहिए। मैं आजकल ये बहुत देखती हूँ, और ये बहुत तकलीफ दे बात है। गोरी बहू लेके आनी है, फलां गोरा है तो खूबसूरत है, ये रंगों की बातें ये कोई मायने नहीं रखती। और मुझे भी शायद ये बात ना समझ आती, मेरी दोस्त, अल्लाह ताला ने ये जो रंग बना दिए हैं, कभी छोटे थे मैं भी सोचा करती थी अल्लाह मियाँ सबको अमीर बना देते, अल्लाह मियाँ सबको खूबसूरत बना देते, तो इसमें भी बहुत राज हैं, बहुत बड़े बड़े। मेरी एक दोस्त साउथ अफ्रीका में होती है, तो एक दिन मैं उसको कॉल कर रही थी कोई बहुत जरूरी काम से, तो वो सख्त गर्मी थी और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे। तो मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है, इतनी शदीद साथ कह रही हो गर्मी है और साथ तुमने ग्लव्स पहने हुए। तो उसने मुझे बताया कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, एसी चल रहा है, उसके बावजूद जब मैं 3 और यूं स्टेयरिंग पकड़ी रखती हूँ तो यहाँ स्किन बर्न हो जाती है।
हम जैसों की, जो ब्राउन लोग हैं, और जो गोरे लोग हैं उनका तो क्या ही हाल होता हो तो होगा। तो अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को उस किस्म के आबो हवा के मुताबिक उनको स्किन दी हुई है। इसमें हमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, या हमें ये डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि फलां सही और फलां गलत। सब अल्लाह की मखलूक हैं और काबिले इज्जत हैं, काबिले एहतराम हैं। हमें सबको इज्जत देनी है। इतनी लंबी तगड़ों के बाद किसी कोई कैशियस के लिए तो मोहम्मद अली बन जाता है, लेकिन पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके जहनों में अभी भी ये सवाल रहते होंगे कि व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों रहता है, मरियम का मुजस्मा व्हाइट क्यों है। तो अल्लाह का शुक्र, खूबसूरत मजहब में, खूबसूरत मुल्क में हमें पैदा किया। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, और कभी आपको फुर्सत हो तो आप मोहम्मद अली के जो अकवाल हैं वो जरूर पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत बातें हैं उनकी। एक बात है जो मैंने लिख के अपनी ड्रेसिंग टेबल पे लगाई हुई है, मुझे बहुत वो खूबसूरत लगती है उनकी बात। उन्होंने कहा कि जमीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़े आवाज है। तो ये बात इतनी गहरी है, मुझे जब पहला थॉट आता है और कभी जब दूसरा थॉट आता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये जमीर की आवाज़ है और ये खुदा की आवाज़ है और उस पर लब्बैक कहना चाहिए। इसी तरह की इनकी बेशुमार खूबसूरत बातें हैं, और वो खूबसूरत थे। मुझे तो भाई वो इतने खूबसूरत और हसीन लगते हैं कि मैंने उनकी, जब वो 6 फुट और 2 इंच के थे और जब वो मतलब पेंट कोट पहनते थे, तो वो मुझे तो वो बेहद हसीन और खूबसूरत लगते थे। तो आइंदा आपके लिए कोई और बहुत अच्छी कहानी लेके आएंगे। खुश रहें, खुश रखें अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बहुत ख्याल रखें। कहानी का फीडबैक जरूर दिया कीजिए, और अगर किसी कहानी की फरमाइश हो तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। मेरा तो आजकल ये हॉबी है कि मुझे बायोग्राफी पढ़ने का शौक हुआ हुआ है। मैं आपके लिए बायोग्राफी, जो जिसका आपका दिल चाहता है आप जरूर बताइए, मैं ढूंढूंगी और आपके लिए लेके आऊंगी। जिन्होंने कहानी सुनी है बैठ के उनका बहुत शुक्रिया। आज मेरा ये दिल कर रहा था कि मूंगफली हो और मैं अपने ब्लैंकेट में बैठी हूँ और मुझे भी मजे की कहानी सुनाई। बहुत मजेदार चीज है बैठ के कहानी सुनना, और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि इंसान बैठा हो और पीनट खा रहा हो और कोई उसे मजे मजे की कहानी सुना रहा हो। तो आइंदा फिर आपसे मिलते हैं किसी फ्राइडे को, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।